नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ मैं मुरारों के पत्ते के बारे में और मुरारों के पत्ते खाऊंगा और पुदीना और धनिया। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है अपन सो रहे होते हैं और मकड़ी होती है ना, छोटी मकड़ी, वो अपने चेहरे पे चढ़ जाती है या पाँव पे या कहीं भी, तो अपन सोते रहते हैं ना तो ऐसा मार देते हैं उसको। मकड़ी रहती है ना, मकड़ी मिट जाती है इधर, तो छोटे छोटे फुंसे फोड़ी फुंसे से हो जाते हैं ना तुरंत। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप पुदीना लीजिए, इतना पुदीना और धनिया, इन दोनों को जूस बना लीजिए इसका, या रस या इधर पे लगा लीजिए। पुदीना और धनिया दोनों मिक्स करके रस निकाल के इधर लगा लीजिए, जहाँ भी मिड़ी हो मकड़ी, मिड़ गई हो मकड़ी, ऐसा हो जाती है ना, तो चेहरे छोटे छोटे से फुड़ते हो जाते हैं, ये लगा लीजिए, तुरंत मिट जाएगा, एक दो घंटे में साफ हो जाएगा। ये इसका रस निकाल लीजिए, रस पुदीना और धनिया का, मकड़ी इधर मिट जाए या सोते रहते ना तो ऊपर वो चढ़ जाती है, अपन मार दिए उसको, मीट दिया ऐसा तो पौड़ी फंसी हो जाते हैं उसके लिए। दूसरी बात, कभी कभार ये इसका जूस निकाल के पी भी सकते हैं, कम से कम एक गिलास इसका जूस निकालिए, पी लीजिए, या कान में दर्द हो या आपका दाढ़ दुखता है कभी कभी, दुखता है ना, पुदीना का रस लीजिए, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाइए, या लौंग दो चार छः लौंग उसको पीस के मिलाइए और रख लीजिए दाढ़ में रुई में भिगा के रख लीजिए पुदीना का रस, और या लौंग हो दो चार लौंग को कुचल के दोनों में पुदीना का रस और सरसों का तेल, दर्द खत्म, रखा रह लीजिए एक दो घंटे तो मिल जाएगा। लौंग हो तो और अच्छा है, लौंग बहुत बढ़िया है, और इसको खा भी सकते हैं, अगर चबाते हैं तो और इधर रस भर जाएगा ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। मैं तो बोलता है इसको रोज़ खाना चाहिए, आपके दांतों के लिए फ़ायदा है, इससे बहुत रोग दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन खाना चाहिए। और धनिया भी खाइए, अगर ये आप खाते हैं खाना भी पच जाएगा। ये हैं मुरार के पत्ते, ये हैं मुरार के पत्ते, इनको इनका एक गिलास जूस सुबह से पीते हैं तो ये मानिए एक गिलास दूध पी लीजिए या इनका एक गिलास जूस पी लीजिए, एक बराबर, जितना ताकत दूध देगा उतना ये देते हैं, लेकिन एक गिलास भर के जूस, ये मुरार के पत्ते हैं, तालाब में होते हैं ज़्यादा, क्या खाइए, ये मानिए जितना दूध का फायदा उतना ये इसके मुरार के पत्ते का जूस का फायदा।
परफेक्ट है। भाई ये भी एक मुरार का पत्ता, आइए आप आराम से। फिर क्या, उसमें पुदीना है, बहुत फायदा। ये इतना ताकतवर है ना, चलिए नमस्कार।